नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। एक मिनट में जानिए पूरी खबर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने हवा में गुब्बारे उड़ाकर यातायात माह का शुभारंभ किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को ट्रैफिक नियमों को पालन करने का संदेश दिया। संतोष कुमार सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस विभाग साल भर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करता है, लेकिन हर साल नवंबर के महीने में यातायात माह चलाकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया जाता है। लोगों को वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने और ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर लगाने का आह्वान करते हैं। प्रत्येक वर्ष ये नवंबर में यातायात माह का शुभारंभ किया जाता है, जिसके अंदर क्योंकि एक्चुअली हम लोग पूरे साल भर जनता को जागरूक करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये यातायात माह के रूप में चिन्हित किया गया है तो यातायात माह को आज से हम लोगों ने प्रारंभ किया है, जिसमें आज हम लोगों ने हरी झंडी बच्चों को दिखाई है, बच्चे रैली भी कर रहे हैं। इसी तरह हम लोगों ने 30 दिन तक पूरा कार्यक्रम बनाया हुआ है। प्रत्येक दिन हम चेकिंग भी करेंगे और स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनियनों के साथ, व्यापार मंडलों के साथ, पब्लिक के साथ हम मीटिंग भी करेंगे, उनको जनता को समझाएंगे भी कि यातायात नियमों का पालन करने से किसी लोगों की जान बच सकती है और ये हमारी सिस्टम के लिए कितना सहायक है। इसी क्रम में हम लोग अभियान की शुरुआत किए हैं इस महीने।